हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडरलैंड गार्डन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। जानने के लिए कि होम डेकोर और गार्डन डेकोर के बेस्ट प्रोडक्ट्स और सबसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइसेस कहाँ मिलते हैं। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और आप इतने लाइक्स और कमेंट्स करते हो, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हम इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर दैट। आज मैं आपके लिए एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, विच इज मिनिएचर टॉयज। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, खाली यही नहीं कि रेंज दिखाऊं, आपको एक मैं थोड़ा सा प्राइस का आइडिया दूंगा, किस तरीके के वो मटेरियल के बने होते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत क्रिस्प वीडियो रखूंगा कि आपको आइडिया लगे इन सब तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में, और अगर आप परचेज करना चाहें तो वो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप कहां से कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अबाउट मिनिएचर टॉयज। अब मिनिएचर टॉयज है क्या? मिनिएचर्स, जैसा नाम बताता है, कोई भी बड़ी चीज को अगर हम छोटा कर देते हैं तो मिनिएचर बन जाती है। जैसे कि गाड़ी के मिनिएचर रेप्लिकास मिलते हैं, फिगरीन के मिनिएचर्स मिलते हैं, एनिमल्स के मिनिएचर मिलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक मिनिएचर की कलेक्शन है जो कि हम लोग यूज करते हैं। अब ये मिनिएचर जो है, बेसिकली आप ये मानकर चलिए 90-95% इम्पोर्टेड होता है। मेनली ये इम्पोर्टेड होते हैं और अलग अलग कंट्रीज से हम लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं, और थोड़े बहुत सेरेमिक के मिनिएचर्स हैं और थोड़े से रेजिन के मिनिएचर्स हैं जो इंडिया में बनते हैं। तो पहले मैं इनके किस किस तरीके के, किस वैरायटी के, किस मटेरियल के बनते हैं, एक तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं डियर से एक शुरुआत करता हूं, तो ये देखिए, ये हमारे मिनिएचर हैं। जैसे कि अगर एक हमारा डियर है तो ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है मिनिएचर, तो ये एक तरीके का मटेरियल हो गया। तो मिनिएचर्स प्लास्टिक में बनते हैं, इसकी मोल्डिंग प्लास्टिक में बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हैं, ये खराब नहीं होते, गलते नहीं है, इनके कलर खराब नहीं होते, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, आप इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हो डेकोरेशन के लिए। तो ये हमारे हो गए प्लास्टिक के मिनिएचर्स। इसी तरीके के अगर यही मिनिएचर सपोज रेजिन में होगा तो किस तरीके का होगा, तो मिनिएचर रेजिन के भी आते हैं। जैसे कि ये हमारा एक डियर है, ये रेजिन का मिनिएचर है, तो एक हमारा प्लास्टिक का है, एक उसके साथ में हमारा रेजिन का मिनिएचर है। रेजिन भी जो है वो आउटडोर के लिए बहुत अच्छा होता है, खराब नहीं होता, बट हाँ ये फिर भी टूट सकता है। प्लास्टिक के टूटने की चांसेस, संभावना बहुत ही कम होती है। रेजिन को आप फर्श पे जोर से फेंकेंगे तो इसका कान है या ये टूट सकता है। और तीसरा होता है हमारा, जैसे सिरेमिक के भी डियर बनते हैं, जैसे ये सिरेमिक का एक इंडियन डियर है जो कि हमारे पास है, ये सिरेमिक का बना हुआ है। तो जैसे मैंने बताया, ये प्लास्टिक का है, ये रेजिन का, ये सिरेमिक का है। सिरेमिक को मोल्ड करना सबसे मुश्किल होता है, एंड हेंस ये उतना रियल लुकिंग नहीं लगता, कम भी चलता है अगर मैं आपको बताऊं तो। और इसकी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि टूट बहुत जल्दी जाता है। आप इसको, क्योंकि सिरेमिक का बना हुआ है, दिस इज हाईली ब्रेकेबल एंड फ्रेजाइल, ये अगर फर्श पे जैसे ही गिरेगा उसी टाइम पे चकनाचूर हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, वंडरलैंड में हमारे पास ये तीनों तरीके की वैरायटी है। हमारे पास प्लास्टिक के भी हैं, हमारे पास रेजिन के भी हैं, हमारे पास सिरेमिक के भी हैं, और ये हर तरीके के वहां पर मिनिएचर्स होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में तो आपको ये बताया किस किस तरीके के मिनिएचर्स होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरीके की इनकी डिजाइनिंग होती है। अब मिनिएचर जो है वो बेसिकली इतने तरीके के अवेलेबल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मेरे पास ही वंडरलैंड में मोर देन 500-700 डिजाइन ऑफ मिनिएचर्स है अगर मैं देखूं, और खाली डिजाइन की बात करूं, उसमें कलर वगैरह जो अलग है वो अलग, इतने मेरे पास मिनिएचर हैं। और ये जो मिनिएचर्स हैं, ये अलग अलग तरीके की मोल्डिंग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके डिजाइनिंग, अगर मैं डिजाइन की बात करूं, तो जैसे कि हमारे पास ये देखिए, यहां पर कपल मिनिएचर्स है, ये सारे हमारी देखिए कपल की रेंज है। इसमें कुछ रेजिन के भी हैं, कुछ प्लास्टिक के भी हैं, ये सारे फिगरीन मिनिएचर्स हैं, जैसे जिसमें लड़का बना हुआ है, लड़की बनी हुई है, या गर्ल्स का सेट है, या बॉयज का प्लेइंग सेट है। इस तरीके के हमारे पास ये अलग अलग डिजाइन ऑफ मिनिएचर्स हैं।
जैसे मेरे एक बड़े फेवरेट हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स वाला है कि जो कपल है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो हमारा एक कपल है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलता है, या एक कपल जो है वो बेंच पे बैठा हुआ है फ्लावर के साथ, इस तरीके के हैं। ये देखिए चेरब्स का सेट ऑफ फोर का सेट है, इस तरीके के सारे मिनिएचर्स हैं जो बेसिकली ह्यूमन फिगरीन में हैं, जिसमें या तो कपल्स हैं या गर्ल्स के सेट्स हैं या बॉयज के सर्ट सेट्स हैं, इस तरीके के बहुत सारे मिनिएचर जो हैं वो आते हैं। अगर इन्हीं के थोड़ी सी मैं आपको रीजन में दिखाता हूँ कि जैसे कि आप वहां पर देखिए, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स ऑन चेयर हैं या वो ग्रैंड पेरेंट्स कुकिंग है, या देखिए वो कितने क्यूट है कि वो ग्रैंड पेरेंट जो है, एक ओल्ड कपल जो है वो साइकिल पे जा रहा है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, अपने मेरे को ग्रैंड पेरेंट्स की याद आती है देख के, कितना उनमें लव और अफेक्शन है और किस तरीके से हैं। और तो ये सब जो है हमारे रीजन के हैं। अब जैसे आप थोड़े से बेबीज के देख रहे थे, तो ये बेबी की शेप में भी कि हमारे पास ये सारे मिनिएचर्स हैं। अब ये इसके अलावा मिनिएचर्स जो हैं बेसिकली, जैसे मैंने आपको थोड़ी सी डिजाइन वगैरह बताए, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि मिनिएचर में दो तरीके के कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, एक है रियल लुकिंग मिनिएचर्स और एक है एनिमेटेड मिनिएचर्स। अब ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे दो तरीके के रैबिट है, ये देखिए दोनों मिनिएचर्स हैं। एक हमारा रैबिट है जो कि रियल लुकिंग रैबिट है, जो कि जैसा असली रैबिट होता है उसी तरीके का बना हुआ है। एक हमारा रैबिट है जो कि हैट में से निकल के आ रहा है, ये एक एनिमेटेड है, कार्टून कैरेक्टर टाइप एक बना हुआ है, तो जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, आपके फेस पे स्माइल लाता है, कहीं पे डेकोरेशन करने में बहुत अच्छा लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप वहां पे किस तरीके का कॉन्सेप्ट बना रहे हो, उसके बारे में भी, कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। पर पहले इसी को दर्शाने के लिए मैं आपको एक दो और भी एग्जाम्पल्स देता हूं कि एनिमेटेड और नॉन एनिमेटेड जो होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक हमारा टोड हाउस है, ठीक है, ये एक टोड हाउस है, और अगर हम रियल लुकिंग मशरूम की बात करें तो ये साथ में इसके एक रियल लुकिंग मशरूम है। तो इस तरीके से जो है कुछ रियल लुकिंग भी होते हैं और कुछ एनिमेटेड भी होते हैं, दोनों का ही अपना एक लोगों की पसंद है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया कि किस तरीके के, चलिए और थोड़ी सी रेंज देखते हैं। जैसे मैंने आपको वहां पे बेबीज का दिखाया, हमारे पास स्टार फिश है, और हमारे पास मॉन्क्स बहुत सारे तरीके के हैं। और बाय द वे ये मैं बिल्कुल आपको एक सैंपल पे, एक टेबल पे लगा के दिखा रहा हूं, अगर आप एक्चुअली हम लोगों को रीच आउट करेंगे तो मेरे पास कितनी वैरायटी है जो कि यहाँ पे डिस्प्लेड नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये देखिए, ये डॉग्स बहुत क्यूट हैं। अब जैसे ये एनिमेटेड डॉग्स हैं, ये थोड़े आपके रियल लुकिंग डॉग्स में आ गए। इसी तरीके से ये भी रेजिन के डॉग्स बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे पास बटरफ्लाइज हैं, टेडी बेयर्स हैं, मशरूम्स हैं, और अगर हम देखें तो उस साइड पे हमारे पास और भी तरीके के बहुत हैं, जिराफ हैं, फेरी गार्डन डोर्स हैं, कैक्टस सकुलेंट्स, हाउसेस, ब्रिजेस, वाटरफॉल्स, वेल्स, माउंटेन्स, ट्रीज, इस तरीके के जो है बीच में, वो देखिए कार्स, एरोप्लेन्स, शिप, बोट्स, लैम्प पोस्ट, कासल्स, माने इतनी वैरायटी है हमारे पास कि आप उसको यूज लगाते रहेंगे और आपको खत्म नहीं होगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं, क्योंकि मुझे जैसे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो जैसे हमारे पास वहां पर पियानो है, गिटार है, तो देखिए वहां पे छोटा पियानो रखा है, बड़ा पियानो रखा है, गिटार रखा है, रेडियो रखा है, बड़े एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिनिएचर्स हैं इस तरीके के। या ये फूड आइटम्स देखिए, अब आई एम अ फूडी, आई लव फूड। अब ये देखिए, ये पूरी पूरी डिशेस बनी हुई है, पूरे प्लेटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे हैमबर्गर है, फ्रेंच फ्राइज हैं, इस तरीके की डिशेस हैं, जो कि केक है, तो और ऐसे बहुत तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे लग सकते हैं अलग अलग जगह यूज करने के लिए। अब बीच में हमने थोड़ा सा बात करी थी कॉन्सेप्ट को लेके, ये मिनिएचर्स यूज कहाँ होते हैं। ये मिनिएचर्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं टेरेरियम्स बनाने में, प्लांटर्स को डेकोरेट करने में, बॉन्साई को डेकोरेट करने में। और अगर आप चाहें तो हमारे ही लिंक पे जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने कई सारे ऐसे भी वीडियोस बनाए हैं कि इन मिनिएचर टॉयज से आप कैसे बड़े सुंदर सुंदर प्लांटर्स और टेरेरियम्स बना सकते हो, और बिल्कुल ही
एक प्लांट के अंदर पूरी जान डाल देते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे प्लांटर्स में डेकोरेशन में काम आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग इनको DIY असाइनमेंट्स किट्स में यूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द स्टेशनरी। जैसे कि किसी का असाइनमेंट है वहां पर, किसी को कोई रैबिट बनाना है, कोई फॉरेस्ट बना रहा है या कोई इस तरीके से बना रहा है, उसमें यूज होते हैं। बहुत सारे लोग इसको नॉन एडिबल वे में केक टॉपर्स या डेजर्ट्स वगैरह के भी ऊपर लगाते हैं कि इन सबको, जैसे कि कोई एनिवर्सरी कपल है या किसी का क्या कहते हैं प्रपोजिंग कपल है, इस तरीके के कपल्स जो हैं, या बहुत सारे और डिजाइन हैं, या किसी की थीम है उसमें भी लगाते हैं। जैसे फुटबॉल है हमारे पास, बास्केटबॉल है, तो उस सब में डेकोरेशन में काम आते हैं, और केक्स एक्सेट्रा केक टॉपर्स। बट माइंड यू ये नॉन एडिबल है, ये खाए नहीं जा सकते। अगर आप इसको किसी भी केक या फूड आइटम पे लगाएं तो पहले समझकर जिसको एक्सपर्टीज है, जो जानता है, तब ही यूज करें, वरना नहीं। ऑल्सो बच्चों के कमरे में या ऑफिस डेस्क पे या कहीं पे भी ये मिनिएचर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे मैंने अपने ऑफिस डेस्क पे दो मिनिएचर्स रखे हुए हैं, जो एक मैंने पीकॉक का रखा हुआ है, कुछ लायन का रखा है। मेरे को जो अच्छा लगता है, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ या जो मेरी पर्सनैलिटी को प्रॉबेबली रिफ्लेक्ट करते हैं मेरे को लगता है, तो इस तरीके की भी मिनिएचर्स जो है वो डेकोरेशन में काम आते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले माइंड में बनाकर चलना है। सपोज अगर आप टेरेरियम बना रहे हो और टेरेरियम को आपको डेकोरेट करना है, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट बनाना है? जैसे आप इमेजिन करो, आप दिखाना चाहते हो कि मैं एक वॉटरफॉल हो जिसके पास, तो देखिए मैंने एक वॉटरफॉल ले लिया, उसके पास एक वेल हो, मैंने वेल ले लिया, पास में एक कपल बैठा हो, मैंने एक कपल ले लिया, उसके साथ कपल के पास में कुछ बर्ड्स बैठी हो, मैंने बर्ड ले ली। इस तरीके से हम पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उसको पूरा डेकोरेट करेंगे कि किस तरीके से आप ये पूरा कॉन्सेप्ट बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इसको डेकोरेट और फर्दर करना है, आपको कहीं पे कुछ पिंक सैंड डालनी है, तो हमारे पास सैंड पाउचेस भी अवेलेबल होते हैं जो कि कलर ऐड कर देते हैं टेरेरियम्स में वगैरह, आप इनको भी यूज कर सकते हो। तो आपको उस तरीके से रियल लुकिंग बनाना है या एनिमेटेड बनाना है, क्या कॉन्सेप्ट है पहले आप माइंड में सोचो, और उसके बाद उसको इमेजिन जो करा है वो इन मिनिएचर टॉयज के साथ आप पूरा करो। क्योंकि हमारे पास सारी तरीके की वैरायटी है, आपको एनिमल्स, फेरीज, एंजल्स, किस तरीके की चीज करनी है। अच्छा, एक चीज, जैसे बीच में हमने बेबीज वगैरह देखे थे कि हमारे पास हैं, एक बार वहां पर भी हम दिखाते हैं आपको रिफ्रेश करने के लिए आपका माइंड, कि हमारे पास जैसे जिस तरीके के बेबीज वगैरह हैं, ये बेबी शावर वगैरह में भी बहुत यूज होते हैं। जिनका बेबी होता है, कोई उनको सपोज गिव अवेज देने हैं या उनको कोई चीज डेकोरेट करनी है, तो ये जो हैम्पर्स हैं उसमें भी ये सब बहुत यूज होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, तो ये उसमें के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हमारे पास में आर्टिफिशियल बलून्स हैं, फेंसिंग बहुत यूज होती है। जैसे इस तरीके की ये फेंस है जो कि आप चारों ओर अपने टेरेरियम वगैरह के लगा सकते हो। इसमें छोटे भी आते हैं, इस साइज के भी आते हैं, इससे छोटे भी आते हैं, इस साइज के भी आते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन के आपको किस तरीके के बाउंड्री देनी है वो सब आप इसके साथ दे सकते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके के मिनिएचर्स दिखाए जो कि हमारे पास हैं, और इसको आप बहुत ही आसानी से हमसे ले सकते हो। लाइक आई टोल्ड यू, वंडरलैंड इज अ डायरेक्ट इम्पोर्टर ऑफ दीज मिनिएचर्स। हम इसको डायरेक्टली इम्पोर्ट करते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, इसीलिए आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस मिल पाते हैं हमसे। या तो आप हमारे शोरूम को विजिट कर सकते हैं जो कि फरीदाबाद, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे के बिल्कुल पास है, नियर NHPC चौक मेट्रो स्टेशन। अब आप हमारा एड्रेस देख सकते हो और हमारा फोन नंबर और वेबसाइट भी देख सकते हो। जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, वो खरीदना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं और उनके घर पे डिलीवर होगा। हमारे पास COD ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अगर बल्क इंक्वायरीज हैं तो आप हमको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो हमारे फोन नंबर्स पे, और हम आपको अपने कैटलॉग्स आपके साथ शेयर करेंगे और उससे आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो और हम आपको वो डिलीवर करते हैं। बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस फॉर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मोर देन 700 to 1000 डिजाइंस ऑफ मिनिएचर्स हमारे पास हैं। आई होप आपको हमारा ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा होगा, और एक नई तरीके की आज आपको मैंने चीज दिखाई। और जाने से पहले लास्ट मैं आपको अपने बड़े
प्यारे एस्ट्रोनॉट्स, मेरे बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनने का आजकल शौक आ रखा है, वो हर रोज जो है नए नए उसके शौक आते हैं, तो ये देखिए ये मैंने उसके लिए इंपोर्ट किया था और इस तरीके के सेट्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है आप भी अपने घर पे ला सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।